बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन, सेकंड वी हैव डिस्कस्ड जीन थेरेपी, एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस थर्ड वन, दैट इज मॉलिकुलर डायग्नोसिस. मॉलिकुलर डायग्नोसिस, इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम द नेम. डायग्नोसिस, डायग्नोसिस मतलब डायग्नोसिस मीन्स डिटेक्शन. Detection of disease, which disease was detected as per the symptoms or as per the pathogens. ठीक है. So here molecular diagnosis means molecular word is taken here. We have studied molecular genetics. Molecular genetics में we study about the DNA or genes. तो if you experiment with DNA or genes, and if you diagnose the genes and your DNA, then we can call it molecular diagnosis. And molecular diagnosis is nothing but this is early detection of their disease. किसी भी disease का early detection कर लेना, early detection. तो early detection of disease is not possible by conventional diagnosis method. जो conventional diagnosis method क्या है? Blood test है, then urine test है, then और क्या test होता है? एमपी टेस्ट है, टाइफाइड टेस्ट है, और जितने भी जो विडाल टेस्ट है. तो ये जो कन्वेंशनल डायग्नोसिस मेथड है, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट है ना, तो ऑल दिस आर कन्वेंशनल डायग्नोसिस मेथड. तो उस कन्वेंशनल मेथड से, डायग्नोसिस मेथड से किसी भी डिजीज का अर्ली डिटेक्शन नहीं कर सकते. अर्ली डिटेक्शन मीन्स क्या होता है कि डिजीज आपको हो उसके पहले हम उसको डिटेक्ट कर लें और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें. जैसे इन द केस ऑफ इन द प्रेजेंट सिनेरियो, तो कोरोना वायरस में क्या होता है कि हर पैथोजेन का एक इनक्यूबेशन पीरियड होता है. इनक्यूबेशन पीरियड मतलब 10 डेज 12 डेज. तो अगर किसी बॉडी में कोरोना वायरस एंटर करता है तो इमीडिएटली डज नॉट कॉज इन्फेक्शन, इट सिम्टम डज नॉट अपियर रैंडमली. तो ये इट टेक्स टाइम 10 डेज 7 डेज 8 डेज 10 डेज लाइक दैट. तो इस तरह से जो 10 डेज है, दैट इज इनक्यूबेशन पीरियड है. तो उस इनक्यूबेशन पीरियड में वो ग्रो करता है, इट मल्टीप्लाइड्स इस नंबर, एंड उसके बाद आपको जैसे ही इसका नंबर बढ़ जाएगा, इट स्टार्टेड सेक्रेटिंग टॉक्सिन्स एंड व्हाटएवर पॉइजनस फ्लूइड, कुछ भी हो सकता है वो, एंड दैट कॉजेस अपियरिंग सिम्टम्स इन द ऑफ द डिजीज. और उसके बाद वो सिम्टम्स आना शुरू हो जाएगा आपके बॉडी में. तो वो सिम्टम्स आता है, आने से पहले ही अगर हम आपको लगे कि सस्पेक्ट हैं आप, जैसे अभी लगता है कि अरे उसको कोरोना पॉजिटिव हो सकता है, बट ही स्टिल द सिम्टम्स इज नॉट अपियरिंग. तो कोरोना पॉजिटिव है तो उसको लगा सस्पेक्ट है, वो सस्पेक्ट है, उसको लगा कि हो सकता हूँ मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ. तो सस्पेक्ट, तो जो जो सस्पेक्ट लोग होते हैं उसका अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं बाई मॉलिकुलर डायग्नोसिस मेथड. दिस इज एडवांस टेक्नोलॉजी, दिस इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन 3 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स. वो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स क्या है, 3 इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स क्या है. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, दैट इज PCR, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ डू वी डू PCR. सेकेंड वन इज रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, एंड थर्ड वन इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट assay, ELISA टेस्ट. तो दिस 3 टेक्निक्स आर देयर टू डिटेक्ट द डिजीज अर्ली इन द सस्पेक्ट, नॉट पेशेंट. वी कैनॉट से द पेशेंट, वो अभी सिम्टम्स उसको नहीं आ रहा है, बट वो सस्पेक्ट है कि हो सकता है उसको हो. तो अर्ली डिटेक्शन हम करेंगे, अर्ली डिटेक्शन मतलब डिजीज आपके साथ आए उसके पहले उसको डिटेक्ट कर लेना. मान लीजिए किसी के बॉडी में कोई वायरस इंटर करता है, या कोई पैथोजन इंटर करता है, या बैक्टीरिया इंटर करता है, तो क्या होगा, पहले वो अंदर जाएगा, फिर वो उसके मैकेनिज्म, जो उसके सेल मैकेनिज्म है होस्ट बॉडी का, पेशेंट बॉडी का, उसको हाईजैक करेगा, फिर ये मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा. वो तो मल्टीप्लाई शुरू कर देगा तो उसका नंबर बढ़ता जाएगा, तब सिम्टम्स आने लगेंगे. जब ज्यादा नंबर्स उसके हो जाएंगे, जो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ नंबर्स जब बॉडी में हो जाएगा, देन सिम्टम्स विल स्टार्ट अपियरिंग. तो उसके पहले आप क्या कर सकते हैं, डिटेक्शन कर सकते हैं. कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिए कोई भी पैथोजन जो बॉडी में है, देखिए लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पैथोजन इन द बॉडी, अगर बॉडी में कोई भी पैथोजन अंदर गया है, वायरस बैक्टीरिया कुछ भी, उसका अगर कॉन्सेंट्रेशन लो है तो इट डज नॉट अलाउ इट्स डिटेक्शन.
तो आप उसके बॉडी में, आप अगर उसका ब्लड टेस्ट करेंगे या कोई और टेस्ट करेंगे तो यू विल नॉट फाइंड आउट दैट वायरस और दैट पैथोजन, तो वो डिजीज का सिम्टम्स उसमें नहीं मिलेगा, तो आप उसका डिटेक्शन ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, अभी आप देख रहे हो ना कि कोरोना के लिए हम कौन सा टेस्ट कर रहे हैं, रैपिड पीसीआर टेस्ट कर रहे हैं, कर रहे हैं ना रैपिड पीसीआर टेस्ट, सुने होंगे नाम आप लोग। तो रैपिड पीसीआर टेस्ट में क्या कर रहे हैं, वही पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करा रहे हैं उसमें। क्या कराएंगे उसमें कि आपके बॉडी से जो न्यूक्लिक एसिड जो वहां से लिया है, जो पैथोजन से, जो एक पर्टिकुलर प्लेस से जहां पर आपका वो वायरस पहले इन्फेक्ट करता हो, पहले अटैक करता हो उस सेल से, तो जैसे ये जो गला का सेल है ना, वो वाली सेल से जो हम ये लेते हैं, क्या कहते हैं, स्वैब लेते हैं, तो स्वैब ले करके, तो स्वैब वहां पर स्वैब उस सेल को जल्दी अटैक करता है, पहले अटैक वही करता है। तो हम क्या करेंगे, उसके न्यूक्लिक एसिड, उस पैथोजेन का न्यूक्लिक एसिड ऑफ द पैथोजेन और बैक्टीरिया और वायरस, उसको हम उस स्वैब से निकाल लेंगे, और निकाल करके उसके न्यूक्लिक एसिड में जो डीएनए है, आरएनए है, व्हाट एवर इट इज देयर, उसको हम एम्पलीफाई करेंगे। एम्पलीफाई मतलब वी विल मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ दैट पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट्स और पर्टिकुलर आरएनए सेगमेंट्स बाय पीसीआर फॉर इट्स डिटेक्शन, ठीक है, पीसीआर। और जब पीसीआर जब हम कर देंगे तो उसका मल्टीपल कॉपीज बन जाएगा। मल्टीपल कॉपीज का मतलब जितना कॉन्सेंट्रेशन में उसका डिटेक्शन हो पाए, लो कॉन्सेंट्रेशन में डिटेक्शन नहीं हो पाता है, तो मल्टीपल कॉपीज बना देंगे, तो ज्यादा नंबर उसका हो गया, कॉन्सेंट्रेशन बिकेम हाई, नाउ इट कैन बी इजिली डिटेक्टेड, और उसके बाद उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो पीसीआर से उसके नंबर्स को बढ़ाने के बाद, उसके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के बाद, वी कैन इजिली डिटेक्ट दैट डिजीज। तो दिस इज व्हाट बीइंग डन फॉर आरएनए, सॉरी फॉर टेस्टिंग कोरोना वायरस ऑल्सो। तो एचआईवी के लिए हम ऐसा ही करते हैं, इट इज बीइंग यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ एचआईवी, एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड पेशेंट, सस्पेक्टेड एड पेशेंट्स में, एड्स पेशेंट में, तो उसमें जो एचआईवी वायरस इंटर करेगा, एचआईवी वायरस ऐसे इंटर करेगा, और कोई भी अगर जेनेटिक म्यूटेशन है इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट, कैंसर पेशेंट में भी अगर कुछ म्यूटेशन हुआ है, तो म्यूटेशन हुआ है तो भी अभी थोड़े से जीन इन्फेक्ट हुआ है, तो उस जीन को उस पर्टिकुलर सेल से निकाल लेंगे, और निकाल के उसको पीसीआर से उसके मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन इनहेंस करेंगे, जब कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगा तो इट कैन इजिली बी डिटेक्टेड, ठीक है। तो पीसीआर का पर्पस क्या है, ये टेस्टिंग के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, ये टेस्टिंग हम कब, इससे केवल हम उसके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं आउटसाइड द बॉडी, नॉट इनसाइड द बॉडी। इनसाइड द बॉडी बढ़ जाएगा तो फिर वो पेशेंट इजिली इन्फेक्ट हो जाएगा। तो आउटसाइड द बॉडी मतलब लेबोरेटरी में कर रहे हैं, वो लेबोरेटरी में उसका नंबर बढ़ा रहे हैं और देख रहे हैं कि वही पर्टिकुलर वायरस है या कोई और है। अगर नंबर ज्यादा होगा तो हम डिटेक्शन कर पाते हैं, जब डिटेक्शन कर पाएंगे तो हमको समझ में आएगा कि ये विच पैथोजन इज देयर, विच वायरस इज देयर, विच बैक्टीरिया इज देयर, और हम देख लेंगे अरे ये तो कोरोना वायरस है, क्योंकि इसके नंबर ज्यादा मिलेंगे तो इजिली हम डिटेक्ट कर पाएंगे ना। तो अगर कोरोना वायरस है, अरे ये तो कोरोना इसमें मिल गया, इसके ब्लड में कोरोना है, मतलब इसके स्वाब में कोरोना मिला या इसके ब्लड में ये एचआईवी मिला, तो इसका मतलब ये एचआईवी पेशेंट है या ये कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है, लाइक दैट। और ये कैंसर का अगर कुछ जीन म्यूटेशन हुआ है, तो वो अगर जीन में कुछ चेंजेज आया है, तो मेरे यहाँ ये चेंजेज आ गया है, मतलब दैट विल कॉज कैंसर नाउ इन द बॉडी, तो पहले से ही उस जीन को हम जीन थेरेपी के थ्रू और या अदर कोई ट्रीटमेंट जो टेक्निक है उसके थ्रू उसको क्योर ले सकते हैं, क्योर दे सकते हैं उस पेशेंट को, उस डिजीज को फैलने से पहले। तो दिस इज व्हाट वी डू अर्ली डायग्नोसिस फ्रॉम मॉलिकुलर डायग्नोसिस टेक्निक फ्रॉम पीसीआर ऑल्सो। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, देखिए इसमें क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या सिंपल है आरडीएनए। आरडीएनए में आप क्या करेंगे कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड जो डीएनए होगा या आरएनए होगा, ठीक है, टैग्ड विथ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, इसमें ये यूज करेंगे हम, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से वो टैग किया हुआ है, वी कॉल इट प्रोब, वी कॉल इट प्रोब। प्रोब इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए विच इज रेडियो एक्टिव, इट इज क्लियर। प्रोब व्हाट इज प्रोब, प्रोब पहले भी पढ़े थे, वीएनटी, वीएनटीआर प्रोब, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में वो क्या ऑलरेडी प्रिपेयर्ड क्या था,
रिपीटेड सीक्वेंस था, VNTR सीक्वेंस था, तो उसको हम VNTR प्रोब कर रहे थे। यहाँ पर क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA और RNA जो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से टैग्ड है उसको हम प्रोब कहेंगे। ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है आपके लैब में। इन दिस मेथड व्हाट वी डू, दिस प्रोब इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज टू इट्स कम्प्लीमेंट्री DNA। अब मान लीजिए कि कोई भी DNA, ये जो कम्प्लीमेंट्री DNA क्या होगा, कम्प्लीमेंट्री DNA दैट इज द DNA ऑफ द पेशेंट्स बॉडी वी हैव टेकन, ठीक है, पेशेंट्स के बॉडी से लिया गया, वो उसके साथ जाके हाइब्रिडाइज करेगा। मान लीजिए, देखिए आपको एक दिखाता हूं मैं, ये आपका प्रोब है। मान लीजिए ये प्रोब सिंगल स्टैंडर्ड DNA है या RNA है जो भी मान लीजिए, और जो बॉडी से जो आपने जो DNA निकाला है, बॉडी से जो DNA निकाला है वो DNA इस तरह से, ये DNA है, ठीक है। और क्या होता है कि जब आप इसके साथ छोड़ देंगे तो इट विल हाइब्रिडाइज विथ कम्प्लीमेंट्री DNA ऑफ द क्लोन ऑफ द सेल्स, मतलब उस सेल्स जो पेशेंट्स के बॉडी से लिया है। तो ये जो प्रोब है, दिस इज प्रोब और ये आपका DNA है, DNA सेगमेंट फ्रॉम द सेल, DNA फ्रॉम सेल, ठीक है, ये सेल से लिया है। अब इस ये क्लोनिंग किया, मतलब इसको भी हमने क्या, उसका उसके बहुत सारे कॉपीज बना के रखे हैं उस सेल का। अब जब इस प्रोब को छोड़ देंगे तो देखिए, जब प्रोब को छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये प्रोब जा करके इससे हाइब्रिडाइज करेगा, कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करेगा, ठीक है। लेकिन कुछ DNA सीक्वेंस है जिससे वो बेस पेयरिंग नहीं कर पाएगा। मान लीजिए इस DNA से देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन। कोई बताएंगे क्यों नहीं हाइब्रिडाइज किया इससे, इससे क्यों नहीं जाके वो कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के साथ हाइब्रिडाइज किया? ये जो आपके प्रोब जो बने हुए हैं, ये प्रोब जो कम्प्लीमेंट्री इसमें सीक्वेंस है, कम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस है नॉर्मल DNA के लिए, दीज टू आर नॉर्मल DNA, तो ये नॉर्मल DNA के साथ तो हाइब्रिडाइज कर लिया, लेकिन ये DNA वो नॉर्मल DNA नहीं है, इसमें थोड़ा थोड़ा क्या है, म्यूटेशन हो गया है, दिस इज म्यूटेटेड DNA। म्यूटेटेड DNA अगर ये है, ये DNA जो म्यूटेटेड है, तो म्यूटेटेड DNA से वो हाइब्रिडाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो म्यूटेटेड DNA विल नॉट हाइब्रिडाइज विथ प्रोब। तो प्रोब से जब हाइब्रिडाइज नहीं करेगा तो हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, अरे ये पार्ट जो DNA का है उसमें म्यूटेशन हुआ है, तो दिस इज डिजीज्ड DNA, मतलब डिफेक्टिव DNA, डिफेक्टिव जीन। और ये कैंसर के डिटेक्शन में हम ऐसा कर सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, म्यूटेशन, जहां भी जो भी डिजीज म्यूटेशन से कॉज होता है उसको, उसका डिटेक्शन हम रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं। तो सेल्स आर, और इसको कैसे आप देखेंगे, हाउ विल यू ऑब्जर्व इट, बाई ऑटो रेडियोग्राफी, आपको पहले ही पता है ना, जिसमें जब DNA फिंगरप्रिंटिंग कर रहे थे वहां भी हम देखे थे कि VNTR प्रोब के साथ हाइब्रिडाइजेशन हुआ था। हाइब्रिडाइजेशन के बाद हम उसको ऑटो रेडियोग्राफी से उसको देखा गया था, एक्सरे फिल्म में उसका पिक्चर लिया गया था, वैसे यहाँ भी वही काम करेंगे, उसका पिक्चर लेंगे, तो यार पिक्चर में दिखेगा, उस फिल्म में उस प्लेट पे दिखेगा कि ये दोनों तो हाइब्रिडाइज हो गया है, बट ये अभी सिंगल स्टैंडर्ड ही है, मतलब ये हाइब्रिडाइज नहीं हुआ, मतलब प्रोब कुड नॉट अटैच विथ डिफेक्टिव DNA म्यूटेटेड जीन। तो सेल विथ म्यूटेटेड जीन विल नॉट बी ऑब्जर्व ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट, उस फोटोग्राफिक फिल्म में जो म्यूटेटेड जीन है वो दिखाई नहीं देगा। और बिकॉज क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपका प्रोब जो है रेडियो एक्टिव प्रोब है ना, ये रेडियो एक्टिव प्रोब की वजह से वो दिखता है, लेकिन रेडियो एक्टिव प्रोब इसके साथ तो अटैच हुआ ही नहीं, तो जब ये अटैच हुआ नहीं तो ये आपका ये म्यूटेटेड जीन विल नॉट बी ऑब्जर्व, सो द प्रोब वॉज नॉट कम्प्लीमेंट्री टू द म्यूटेटेड जीन, और इससे वो दिखाई नहीं देगा। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द म्यूटेटेड जीन की सम म्यूटेशन हैज अकर्ड, और हम समझ सकते हैं क्योंकि वो डिजीज होने के चांसेस उसमें हैं। तो दिस कैन बी यूज फॉर अर्ली डिटेक्शन। नाउ थर्ड वन इज इम्पोर्टेंट अगेन, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, सुना है ना,
सुना है ना, सुना है ना, सुना है ना मैडम? इज ही देयर और नॉट सौरभ? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इसका फुल फॉर्म है एलिसा। देखिए ये एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे जो है, दिस इज द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजेन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। एंटीजेन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, मान लीजिए कोई एंटीजेन आपके बॉडी में इंटर करेगा तो उसके अगेंस्ट में क्या बनेगा, उसको काउंटर एक्ट करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उस पर अटैक करने के लिए आपके बॉडी में क्या बनेगा, एंटीबॉडी बनेगा ना, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो जब बनेगा तो हम क्या कर सकते हैं, आइदर द प्रेजेंस ऑफ एंटीजेन, आइदर द प्रेजेंस ऑफ एंटीजेन, एंटीजेन कैन बी प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन एक्सेट्रा, कुछ भी, आर डिटेक्टेड, और एंटीबॉडीज, या तो एंटीजेन को हम डिटेक्ट करेंगे, एंटीजेन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, या फिर उस एंटीजेन के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बना है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, फिर देखेंगे कि कितना एंटीजेन अंदर गया और कितना एंटीबॉडी बना है, तो वो डिजीज होने के चांसेस है या नहीं है, तो दोनों में इंटरेक्शन किस तरह के इंटरेक्शन से। तो जब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट पैथोजेंस आर डिटेक्टेड, तो दोनों को डिटेक्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीजेंस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज। अब देखेंगे कि एंटीजेन मतलब बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है और एंटीबॉडी कम है तो क्या होगा, देर विल बी चांस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन और नॉट। इफ एंटीजेन कॉन्सेंट्रेशन इज मोर एंड एंटीबॉडीज इफ विच इज फॉर्म्ड अगेंस्ट एंटीजेन इज लेस, तो देर विल बी चांस ऑफ इन्फेक्शन या नहीं? होगा या नहीं होगा? एंड दिस इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग एड्स, ए करने के लिए दिस टेक्निक इज यूज्ड। एलिसा, नाउ लास्ट वन इज फोर्थ वन, दैट इज स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। स्टेम सेल्स, स्टेम सेल्स क्या है, स्टेम सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड बायोलॉजिकल सेल्स है। स्टेम सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड बायोलॉजिकल सेल्स, और इसी स्टेम सेल से जब ये डिफरेंशिएट होगा, स्टेम सेल्स इट कैन डिफरेंशिएट इनटू स्पेशलाइज्ड सेल्स, स्पेशल सेल्स में ये डिफरेंशिएट होगा और कैन डिवाइड टू प्रोड्यूस मोर स्टेम सेल्स, और ये ज्यादा स्टेम सेल्स बनाएगा, और जितने भी ऑर्गन्स आप देखते हो, ऑल काइंड ऑफ ऑल ऑर्गन्स आर डेवलप्ड डेवलप्ड फ्रॉम इम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। इम्ब्रियो में जो स्टेम सेल्स है उसी स्टेम सेल से सारे ऑर्गन्स आपके बने हैं। हमारे बॉडी में जितने ऑर्गन्स बनते हैं उस इम्ब्रियो में, फीटस में, वो इम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से ही बने हैं, ठीक है, स्टेम सेल से बने हैं। तो स्टेम सेल्स आर फाउंड इन ओनली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिलेगा। एडल्ट स्टेम सेल्स, एडल्ट स्टेम से मतलब अभी अगर हमारा सेल निकाला जाएगा तो दैट विल बी नोन एज एडल्ट स्टेम सेल्स। देन आफ्टर बर्थ दैट द स्टेम सेल्स व्हिच इज टेकन, दैट इज एडल्ट स्टेम सेल्स, दे आर यूज्ड इन मेडिकल थेरेपीज, फॉर एग्जांपल इन बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो के ट्रांसप्लांटेशन में उसी स्टेम सेल का यूज करते हैं, उससे बोन मैरो से स्टेम सेल्स निकाल करके और उसमें इंसर्ट कर देंगे पेशेंट में यूजिंग आरडीएनए टेक्नोलॉजी, तो उससे क्या होगा कि न्यू बोन मैरोस बनना शुरू हो जाएगा जिसको बोन मैरो का प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद स्टेम सेल्स कैन ऑल्सो बी टेकन फ्रॉम अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड पता है, व्हाट डू यू मीन बाय अम्बिलिकल कॉर्ड, व्हाट इज अम्बिलिकल कॉर्ड? जस्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी है ना, अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड, द ब्लड ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड इज टेकन एंड फ्रॉम फ्रॉम दैट स्टेम सेल्स कैन बी आइसोलेटेड।
और दोज स्टेम सेल्स कैन बी यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ऑल दी डिजीज, बिकॉज स्टेम सेल्स, आपको बताता हूँ, स्टेम सेल्स ऐसा सेल्स है, इट कैन डिफरेंशिएट इनटू एनी काइंड ऑफ सेल्स, चाहे वो बोन सेल्स हो, ब्रेन सेल्स हो, किसी ऑर्गन के सेल्स हो, कोई भी सेल्स आपके बॉडी में बनाना है तो आप स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट कर दीजिए, स्टेम सेल्स टेक्नोलॉजी मतलब उसको ट्रांसप्लांट कीजिए, उसको इंसर्ट कर दीजिए उस सेल में नॉर्मल स्टेम सेल्स, देन दैट विल फॉर्म दैट ऑर्गन, बिकॉज स्टेम सेल्स कैन डिफरेंशिएट इनटू एनी स्पेशलाइज्ड सेल्स, एनी, ठीक है। एडल्ट स्टेम सेल्स, दो तरह के स्टेम सेल्स आप यूज कर सकते हैं, एक एडल्ट स्टेम सेल्स, एडल्ट स्टेम सेल्स जो हम किसी के बॉडी से भी निकाल सकते हैं, और दूसरा है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स अगर इसका ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, ये दिस स्टेम सेल्स कैन बी यूज्ड फॉर परमानेंट ट्रीटमेंट, परमानेंट क्योर, किसी में अगर परमानेंट क्योर चाहते हैं तो किसी नॉर्मल फीटस का स्टेम सेल्स आप उसमें यूज कर सकते हैं परमानेंट क्योर। और ये जो है एडल्ट स्टेम सेल्स परमानेंट क्योर नहीं है, ये तो बेटर है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही आप अगर आप ट्रीटमेंट कर देते हैं तो दैट विल बी परमानेंट क्योर, एम्ब्रियो में ही अगर ट्रीटमेंट कर देंगे तब। ओके okay?